नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई नजर डालते हैं खबरों की ओर। संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति कोविंद बोले, भारत की वैक्सीन का लोहा दुनिया ने माना। बजट का असर, प्री ओपन में 2% से ज्यादा चढ़ा बाजार, सेंसेक्स 58,400 अंक के पार। भारत में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 2,09,000 से ज्यादा केस आए सामने, 959 लोगों की हुई मौत। सवारा फार्म्स में छापा, पुलिस की कार्रवाई, जमकर चल रही थी हुक्का पार्टी। शहर में एक सप्ताह में 7.6 डिग्री गिरा पारा, रात में सर्द हवाओं ने बढ़ाई कड़ाके की ठंड। शहर में कोरोना से मौतों का आंकड़ा बरकरार, 24 घंटे में जिले में 3,057 नए मामले आए सामने। विकोली के भ्रष्ट अधिकारियों की जांच में जुटी सीबीआई टीम, रिश्वतखोरी के मामले में एक दिन की हिरासत। आधार अपडेट के बाद भी नहीं मिल रहा अनाज, सॉफ्टवेयर से गरीबों का हो रहा डाटा गायब। प्लेन की तर्ज पर ट्रेनों में लग रहे ब्लैक बॉक्स, हादसों पर रोक लगाने की कवायद। पालक मंत्री ने पार्षदों को दिए निर्देश, कहा प्राथमिकता से उपलब्ध हो मूलभूत सुविधाएं। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।